अस्सलाम वालेकुम, हेरी योर टीचर मोहम्मद सदर खान और आप देख रहे हैं सदर खान टीवी चैनल। जी हाँ, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम करने जा रहे हैं नाउन्स, काइंड ऑफ नाउन्स। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि नाउन होता क्या है, उसके बाद फिर नेक्स्ट हम काइंड ऑफ नाउन्स के बारे में, यानी कि हम जानेंगे कि कितनी काइंड ऑफ नाउन्स हैं, और उसके बाद नेक्स्ट हम काइंड ऑफ नाउन्स की डेफिनेशन और विद एग्जांपल इसको क्लियर करेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और करते हैं स्टार्ट। जी यहाँ पे आप देख जी लेट्स सी, ये आप देख सकते हैं ये हमारा सबसे पहले जो है काइंड ऑफ नाउन्स आ जाता है। नाउन की डेफिनेशन हम इसमें देखेंगे, द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस आर थिंग इज कॉल्ड अ नाउन, यानी कि किसी भी शख्स जगह या चीज़ के नाम को क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। उसके बाद हमारी इसकी एग्जांपल्स कुछ ले लेते हैं, वो देखते हैं जैसे क्या है, अली इज़ अ बॉय, अहमद इज़ माय बेस्ट फ्रेंड, ही लिव इन मुल्तान, दिस चेयर इज़ माइन। तो इन सेंटेंसेस में क्या है हमारा, यानी कि सबसे पहले अली आया है, अहमद, मुल्तान एंड चेयर जो है, दीज आर काइंड ऑफ नाउन्स। तो इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, काइंड ऑफ नाउन्स देखते हैं कि काइंड ऑफ नाउन्स सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हैं कितने। तो काइंड ऑफ नाउन्स जो हैं वो पांच हैं, और इसमें हम यानी कि क्या करने वाले हैं, लेट यू कैन सी कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को क्या कहते हैं, जो इसमें आम भी इसे कहते हैं, कॉमनली हम एज ए उर्दू ग्रामर के हिसाब से हम इसको क्या कहते हैं, इसमें नकरा कहते हैं। और नेक्स्ट हमारा प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन को हम इसमें खास भी कहते हैं, जो खास नाउन होता है तो वो क्या है हमारा, यानी कि इसको उर्दू ग्रामर में हम इसमें मार्फा भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन में क्या है, ऑब्वियसली यानी कि कलेक्शन है, नाउन की जमा है। उसके बाद हमारा क्या जाता है, मटीरियल नाउन आ जाता है। तो मटीरियल नाउन में क्या जाता है, इसमें मादा या जिन्स यानी कि जिसमें मटीरियल की बात की गई हो। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट फाइव पॉइंट क्या आ जाता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इसमें मुजरद यानी कि जिसमें मादा ना हो, ये जब हम डेफिनेशन करेंगे तो इसको इन डिटेल हम इसका कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे, यानी कि जो आइडियाज़ पे बात कर रही हो, की जा रही हो जिसमें, वो एब्स्ट्रैक्ट कहलाता है। तो इसमें हम नेक्स्ट वन बाय वन हम इसकी डेफिनेशन और विद एग्जाम्पल्स क्लियर कर लेते हैं। जी यहाँ पे क्या है, कॉमन नाउन है सबसे पहले हमारा, कॉमन नाउन इज द नाउन दैट डिनोट्स अ जनरल आर कॉमन पर्सन ऑफ अ थिंग, यानी कि जिसमें कॉमन कोई शख्स जगह या चीज़ का नाम होगा तो वो क्या कहलाएगा, हमारा कॉमन नाउन कहलाएगा। इसमें हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि मैन है, कोई भी आदमी हो सकता है, सिटी है, कोई भी सिटी हो सकता है, कंट्री है, कोई भी मुल्क हो सकता है, इसी तरह टेबल है, कोई भी टेबल हो सकता है, और बुक है, एनी हो, यानी कि कोई बुक हो सकती है। दीज आर काइंड ऑफ कॉमन नाउन। जी इसके बाद हम नेक्स्ट जाते हैं प्रॉपर नाउन। जी प्रॉपर नाउन क्या है हमारा, अ प्रॉपर नाउन इज अ नाउन दैट डिनोट्स वन पार्टिकुलर पर्सन आर थिंग एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम एवरी अदर। यहाँ पे ये देखें, पहले अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हम इसको कंसेप्ट क्लियर करते हैं। ये क्या कह रहे हैं, अ प्रॉपर नाउन इज अ नाउन, प्रॉपर नाउन एक नाउन है दैट डिनोट्स क्या करता है, जो कि शो करता है वन पार्टिकुलर, किसी पार्टिकुलर चीज को, पर्सन, वन पार्टिकुलर पर्सन आर अ थिंग, किसी पार्टिकुलर पर्सन या थिंग को शो करता है या कंट्री को शो करता है, ये भी हम कह सकते हैं, एज डिस्टिनेक्टेड फ्रॉम एवरी अदर। डिस्टिनेक्ट का मतलब होता है फर्क निकालना, यानी कि दूसरी चीज से फर्क निकालता है, उसमें उससे अलहदा होता है, डिफरेंट होता है, ऑब्वियसली वो खास होता है। तो अब इसमें क्या है, अली है, अली इज अ पार्टिकुलर पर्सन। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये कह देते हैं कि क्लास में स्टूडेंट्स हैं, हाउ मैनी स्टूडेंट्स देयर आर सिटिंग इन द क्लास, तो अगर हम ये कह देते हैं कि अली देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स सिटिंग इन द क्लास बट अली इज अ गुड स्टूडेंट, तो हम अब अली को कंसिडर कर दिए, अली पूरी क्लास में से इनफरादी तौर पर है, ऑब्वियसली अली जो है वो हमारा क्या आएगा, एज अ पार्टिकुलर आएगा। इसी तरह बिहारी है, बहुत सारे सिटीज हैं, आई लिव इन बिहारी, तो सेम लाइक दिस मैंने बिहारी को पार्टिकुलर कर दिया कि वो तमाम शहर जो बहुत ज़्यादा अहमियत के हमें हैं, लेकिन मेरे लिए बिहारी है क्योंकि मैं आई एम लिविंग इन बिहारी। जी इसके बाद पाकिस्तान है, बहुत ज़्यादा कंट्री हैं, कंट्री, हर कंट्री की अपनी वैल्यू होती है,
और हर पर्सनैलिटी की उस कंट्री के हिसाब से ऑब्वियसली वैल्यू होती है। तो ऑब्वियसली आई एम लिविंग इन पाकिस्तान, सो पाकिस्तान, आई लव इन पाकिस्तान एंड पाकिस्तान इज़ इम्पोर्टेंट फॉर मी, सो पाकिस्तान इज़ अ पार्टिकुलर नेम। जी, उम्मीद है आपको इसकी भी समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट हम चलते हैं कोलेक्टिव नाउन की तरफ। कोलेक्टिव नाउन क्या होता है? अ कोलेक्टिव नाउन इज अ नाउन दैट डिनोट्स अ ग्रुप कलेक्शन आर मल्टीट्यूड ऑफ सिमिलर थिंग्स कंसीडर्ड एज वन कंप्लीट होल। जी, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, कोलेक्टिव नाउन से ही ये हमारा कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। जैसे क्या है कोलेक्टिव नाउन? द नेम ऑफ कोलेक्टिव पर्संस या कोलेक्टिव थिंग्स। यहाँ पे ये जो बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जो किसी ग्रुप को शो करे या कलेक्शन को शो करे या फिर मल्टीट्यूड ऑफ सिमिलर थिंग्स, यानी कि एक जैसी चीज़ों का ग्रुप हो, एक जैसी चीज़ों की मिकदार हो जो कंसीडर्ड एज वन, जो कि एक कंसीडर की जा रही हो। जैसे क्या है, हमारा आर्मी है, ऑब्वियसली आर्मी में बहुत सारा यानी कि सोल्जर्स होते हैं, बहुत सारे एम्प्लॉयज होते हैं, लेकिन क्या उनका जब प्लूरल में काउंट किया जाता है उनका नेम यानी कि एज अ डिपार्टमेंट के वाले से, तो ऑब्वियसली आर्मी ही काउंट होता है। सेम लाइक दिस पुलिस है, हमारा पुलिस भी सेम लाइक दिस इसी तरह ही यानी कि कंसीडर होता है। फॉक है, जोरी है, क्लास है या फिर पार्टी है, यानी हो यानी कि पार्टी में भी बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, लेकिन हम उसको क्या करते हैं एज अ सिंगुलर कंसीडर करते हैं क्योंकि पार्टी है। तो दिस आर कॉल्ड कोलेक्टिव नाउन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, देख लेते हैं मटीरियल नाउन है। जी, मटेरियल नाउन में क्या कहते हैं? मटेरियल ऑब्वियसली यानी कि लास्ट में जब मैंने काइंड ऑफ नाउन में बताया है तो मैंने क्लियर कर दिया था कि मादा या जिन्स है। तो मादा की क्या है? हर वो चीज़ जो जगह घेरती हो और हुजम रखती हो वो क्या कराती है? मादा कराती है, यानी कि ऑब्वियसली जिसका वजन हो और जगह घेरती हो वो मादा कराती है। तो अब इसमें वो तमाम चीज़ें आ जाएंगी जो ये इस रिक्वायरमेंट को पूरा करती हैं। जैसे क्या है मटेरियल नाउन, सॉरी, मटीरियल नाउन इज अ नाउन दैट डिनोट्स द मैटर आर सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड। ये बात वही आ गई है कि जो किसी यानी कि सब्सटेंस से बनी हो, मैटर से बनी हो, किसी मटीरियल से मिलकर बनी हो तो वो क्या कहलाती है? हमारा मटीरियल नाउन कहलाती है। जैसे क्या है, वाटर है, मिल्क है, सिल्वर, गोल्ड, काटन, वेट, चेयर, डाइस, गिलास, एनी हो यानी कि वट वी थिंक वी हैव, वो तमाम जो चीज़ें जो कि हमारे पास हैं और बज़ाहिर नज़र आती हैं हम उनको इस्तेमाल करते हैं वो क्या कहलाती हैं? हमारी यानी कि मटीरियल नाउन में आ जाती हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारी फाइव कंडीशन है जी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का कंसेप्ट आपको उस वक्त क्लियर नहीं हुआ था, अभी उम्मीद है कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? जी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ एनी आइडिया, किसी आइडिया का नाम है, अ क्वालिटी, किसी क्वालिटी का नाम है, अच्छी है, बुरी है, रफ है, बेस्ट है, एनी हो यानी कि जो भी है वो क्वालिटी है। एंड एक्शन, किसी काम का है, करना या ना करना, होना या ना होना, एनी हो, आर अ सिचुएशन या फिर किसी सिचुएशन का नाम है उसको क्या कहते हैं? इट रेफर्स टू समथिंग इमटेरियल, इमटेरियल यानी कि गैर मादी, गैर मादी चीज़ों की तरफ ये रेफर करता है। तो ये हमारी जो है काइंड ऑफ एब्स्ट्रैक्ट्स हैं। जैसे क्या है, हमारी एडवाइस है, कोई सजेशन है, कोई यानी कि एडवाइस है, कोई मशवरा हो सकता है, कोई नसीहत हो सकती है, कोई हमारा यानी कि आइडिया, हमारा नज़रिया ख्याल हो सकता है, या फिर हमारा यानी कि गुस्सा हो सकता है, ब्यूटी हो सकती है, खूबसूरती हो सकती है। तो दीज आर ऑल काइंड ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। तो नेक्स्ट हमारा लास्ट पे है कॉन्टेक्ट अस फॉर ऑनलाइन क्लासेस। आप ऑनलाइन क्लासेस के लिए रब्ता कर सकते हैं। और उसके बाद एक शॉर्ट सी मैंने कोटेशन दी है, कोटेशन में क्या है, लाइफ इज़ लाइक अ फोटोग्राफी, लाइफ जो है वो फोटोग्राफी की तरह ही है, बिकॉज क्या है, इट नीड्स नेगेटिव फॉर द डेवलपमेंट, क्योंकि ये भी नेगेटिव को देखती है। ऑब्वियसली हमारे पास कोई अच्छा काम होगा, कोई भी काम जो ऑब्वियसली हम यानी कि देखते हैं या करते हैं या जिसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं, ऑब्वियसली कुछ ऐसा होता है जो हमें अच्छा लगता है तो उसको हम फिर रिप्रेजेंट करने की एज अ मॉडल हम करने की कोशिश करते हैं। तो उम्मीद है कि आज का टॉपिक आपको समझ आ गया होगा, और अगर नहीं आया तो आप कमेंट सेशन में कमेंट करके
पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।